एक दूजे के वास्ते। सुमन कहाँ है कंचन? सर वो बड़े पापा वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई है, अभी आती होगी। ओके तो आप लोग रिवीजन करो, मैं ज्वाइन करता हूँ। प्लीज जल्दी आ जा बहन, कहाँ रह गई है तू? सोच लो श्रवण मल्होत्रा, कैस वर्क में मैं बहुत तेज हूँ। फिर भी अगर श्रवण मल्होत्रा जीत गया तो जो चाहो मिलेगा। एक दूजे के वास्ते। डील, और अगर तुम जीती तो भी। तुमसे शुरू करें। ठीक है, तो क्लास 3 में मैं अपनी साइकिल से नीचे गिरी थी और मुझे स्टिचेस आए थे जिनके निशान अभी तक है। बताओ कहाँ? फेस, हाथ या पैर? हाथ। रॉन्ग। तो फिर जवाब एंड में मिलेंगे। अब चलो सर्कल 1 पे जाओ और अपना सवाल पूछो। मेरे स्कूल का पहला क्रश, उसके नाम का पहला अल्फाबेट बताओ। डी। रॉन्ग। तो फिर कौन थी? जवाब तुम्हें एंड में मिलेगा, तुम्हारा रूल था ना। आज हम जानेंगे आर्मी में यूज होने वाली अलग अलग तरह की गन्स के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि इन्फेंट्री वेपन्स क्या होते हैं? नो सर। सुमन का फेवरेट टॉपिक है और आज ही उसे क्लास में लेट होना था। कंचन, तुम तो कह रही थी कि सुमन आने वाली है, अभी तक आई नहीं, काफी देर हो गई। हाँ वो के बताती हूँ बड़े पापा। हाँ, तो आप नहीं जानते? मेरा फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, मुझे कहाँ घूमने जाना पसंद है? यूएस। रॉन्ग। ओके, तो मेरी वीकनेस? आर्मी। रॉन्ग। जो गलत जवाब देगा वो हारेगा श्रवण। मैं तो हार भी खुशी से कबूल कर लेता हूँ, तुम अपना देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऐसा कौन है जिसे देखे बिना मुझे रात को नींद नहीं आती? तुम्हें हारने नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। ये तो बहुत ही इजी है, तुम्हारी मम्मी। गलत जवाब, तुम हार गई। हम सेकंड क्लास में है क्या? कम ऑन श्रवण। हाँ मैं तो हूं, मेरी तसल्ली के लिए कसम खा। हाँ बोल रही थी क्योंकि मैं तुम्हें हारते हुए देखना नहीं चाहती, और ये भी जानना चाहती थी कि अगर तुम जीतोगे तो तुम क्या मांगते? मैं भी इसी रीजन की वजह से गलत जवाब दे रहा था। अच्छा, तो फिर सही जवाब बोलो। अब तुम्हारे हाथ और चेहरे को तो मैं दिन रात देखता हूँ। तो
चोट के निशान तो पैरों में होंगे ना, और तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक नहीं, खाकी है। आर्मी तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत है। तुम्हारी कमजोरी है तुम्हारी फैमिली, जिनकी खुशी में तुम्हारी हंसी है और जिनके दुख में तुम्हारे आंसू। पहले क्रश का पहला अल्फाबेट एस, क्योंकि अगर नहीं होता ना तो तुम ये सवाल करते नहीं। तुम्हें छिपकली से डर नहीं लगता, बल्कि अपने पापा का सिर नीचे होने से लगता है। तुम्हारी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन अपनी बाइक पे पहाड़ों पे ट्रैवल करना, और जिसे देखे बिना तुम्हें नींद नहीं आती है, वो मैं हूं। श्रवण, हमने तो ये बातें कभी डिस्कस भी नहीं करी, फिर भी ऐसा लगता है कि हम हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के वास्ते ही बने। दो दिलों के प्यार की है ये दास्ता, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, कुछ सा। तो रिजल्ट का क्या, दोनों विनर्स की दोनों लूजर्स? जब तक हम साथ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू हो गई होगी, घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। चलो, कंचा का फोन। हाँ कंचा। सुमन, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू, कहाँ रह गई है? वहाँ बड़े पापा क्लास में सुमन सुमन कर रहे हैं, और यार मैं बहाने से रूम में आई हूँ तुझसे बात करने। सॉरी कंचा, बस थोड़ी देर और संभाल ले, मैं अभी आई। वो सब ठीक है, पर तू है कहाँ पे? श्रवण के साथ। चल ये सब वो मत कर, सब समझ गई हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी, बस जल्दी से आ जाओ। ओके थैंक्स। हाँ ठीक है बाय। चलो रागिनी, हाय सब पता कर लिया, वो क्लासेज भी नहीं है और बाइक भी नहीं खड़ी है बाहर उसकी, हाय पता नहीं कितने चला गया। ऐसे बिना बताए तो कभी नहीं जाता भाभी। आप एक काम करिए, आप उससे फोन लगा लीजिए। अब पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार। प्लीज बाइक मत रोकना श्रवण, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। खुद रुकिए, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा एक मिनट दे दो प्लीज। ए यार। हाँ मम्मा। ओ कितने चला गया तू, ओ तू क्लास में भी नहीं है, हैं? बाइक भी नहीं खड़ी है बाहर, कितने चला गया, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। वो मम्मा मुझे ना कुछ जरूरी काम था तो मैं क्लास नहीं गया, वो मैं आ रहा हूँ घर आ रहा हूँ। ठीक है, तू है किसके साथ? अकेले हूँ मम्मा, मैं आ रहा हूँ बस। फोन रुको पाए। फोन काट दिया, आजकल बड़ी अजीब हरकतें कर रहा है ये। लो अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करूं, ऑलरेडी इतना लेट। रिलैक्स। अभी अपना फोन निकालो और घर वालों को बोलो थोड़ा लेट हो जाएगा। और क्या बोलो, किसके साथ हूँ बता दो सब कुछ। नहीं नहीं, अभी हमारी फैमिली कुछ खास पसंद नहीं करती एक दूसरे को, तो ये रहने दो, मैं बाइक ठीक करता हूँ। प्लीज उतरो। सी यू टुमारो।
थैंक यू सर। सुमन तिवारी ने क्लास मिस कर दी, कहीं बदलाव। वो देखो देविका, कंचन। जी बड़े पापा। बात सुन बेटा, सुमन क्लास छोड़ के फ्रेंड के घर चली गई, ऐसा आज तक नहीं किया उसने। ये वाकई अजीब है या मुझे लग रहा है? वो क्या है ना बड़े पापा, आज आपकी न्यूज सुन के वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसी टाइम उसकी फ्रेंड ने उसे बुला लिया, तो शायद उसी एक्साइटमेंट में टाइम पे ध्यान नहीं दिया होगा उसने। लेकिन ये क्लास का आखिरी हफ्ता है और मैंने उसे कहा था कोई क्लास मिस नहीं करेगा, फिर भी। आई नो बड़े पापा, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगी वो। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? उसे फोन करके बोल दो कि लंच तक आ जाए, आधा घंटा है अभी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लंच के पहले तक तो आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है बेटे। कब आएगी यार तू सुमन, क्या कर रही है तू? क्या हो गया तुझे यार, आज मोमोस आते तभी खराब होना था क्या? सुनो श्रवण, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, घर पे सब वेट कर रहे होंगे, तुम अपनी बाइक को यहीं छोड़ दो और हम किसी से लिफ्ट ले लेते हैं प्लीज। यार सुनो, लिफ्ट तो ले लेते पर इतनी देर में पहली कार निकली है, पता नहीं अगली कब आएगी। तुम रुको मैं ठीक करता हूँ, ठीक है? लो आ गई। भैया रुकिए, रुकिए प्लीज। ओ काके, की होया, गड्डी खराब हो गई की? हाँ कुछ हेल्प कर दो ना यार। छोड़ दे कहीं? नहीं, मेरा मतलब लिफ्ट चाहिए आप दोनों को। हाँ प्लीज, हमारा घर यहीं पास में ही है। चलो जी, हम पीछे बैठेंगे। चलो गाड़ी क्यों रोकी उसने? क्या हुआ भाई साहब, क्यों रोक दी? पता नहीं जी, झटके से बंद हो गई शायद, कोई चिंता मत करिए अभी चल पड़ेगी। क्या हुआ भैया, स्टार्ट नहीं हो रही क्या? भाई साहब जरा धक्का मार देंगे। ठीक है,
सुन, सुमन कहाँ है? अभी तक नहीं आई, बहुत देर हो गई। बस रास्ते में ही थी दादू, मैं एक बार फोन करके पूछती हूँ कि कितनी देर लगेगी। हेलो हेलो श्रवण, कंचन बोल रही हूँ, कहाँ हो तुम लोग? सुमन का फोन ही नहीं लग रहा है। मैं कंचन दो मिनट फोन करता हूँ ना तुम्हें। कुछ हुआ है क्या श्रवण? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? तुम दोनों ठीक तो हो ना? और सुमन कहाँ है? वो कंचन, मैं घर लेके आ रहा हूँ अभी उसे, अभी आता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रोको। लगता है कूदना ही पड़ेगा, इससे पहले कि और दूर निकल जाए कूद जाती हूँ। छोड़ूंगा नहीं से तुम्हें। छोड़ना तो से मैं भी नहीं चाहती श्रवण, पर उसे सजा दिलवाने से ज्यादा जरूरी है कि हमारे घर तक बात ना पहुंचे। चलो बहुत लेट हो गया, घर चलते हैं। क्या हुआ, चोट लगी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो फिलहाल जो हमारी फैमिलीज के हालचाल चल रहे हैं ना, तो अलग अलग जाने में भलाई है, समझी? क्या हुआ तुम्हें? चोट लगी ना तुम्हें? दिखाओ मुझे। बताओ चोट लगी है ना तुम्हें? अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा, घर पे सब वेट कर रहे होंगे। तुम अब भी नाराज हो? नाराज होने से मुझे क्या मिलेगा? बात तो तुमने वैसे भी नहीं माननी मेरी। कभी नहीं समझ पाऊंगी मैं, किस फिल्मी लड़के से मुझे इतना प्यार कैसे हो गया। फोन तो करो ना, क्यों कहाँ है भाई? क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो पापा, आने वाली होगी वो। बैठ भी नहीं रहे हैं, इतनी देर से बोल रहा हूँ, बैठ जाओ। इसको मत। सुबह कैसी हो तुम, ठीक तो हो ना? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी बेटा? हम लोग को चिंता हो रही थी बेटा तुम्हारी। तेरा फोन क्यों बंद है सुमन बेटा? पक्का चोट नहीं लगना है तुमको? सबको पता चल गया, पर श्रवण ने तो कहा था किसी को पता नहीं लगने दिया, अब इन्हें कैसे समझाऊं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.